ओके, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स. आई एम डॉक्टर क्लीम रजा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीडिया स्टेनम. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मीडिया स्टेनम इज बेसिकली इंट्रा प्लूरल पार्टीशन. वी हैव टू टाइप्स ऑफ द मीडिया स्टेनम. वन इज सुपीरियर मीडिया स्टेनम हेयर एंड अदर इज द इन्फीरियर मीडिया स्टेनम. बाउंड्रीज ऑफ द मीडिया स्टेनम ये भी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में बाजू का पूछा जाता है कि सुपीरियर मीडिया स्टेनम की कौन सी बाउंड्रीज है, इन्फीरियर मीडिया स्टेनम की कौन सी बाउंड्रीज है. तो यहाँ पे आप देखें कि मीडिया स्टेनम इज बेसिकली एक्सटेंडेड सुपीरियर टू थोरेसिक आउटलेट अप टू फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड पोस्टीरियरली. एंटीरियरली क्या है, मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम अप टू एंगल ऑफ लुईस. दिस इज स्टर्नल एंगल. अब ये जो सारा पोर्शन है ये किसका है, सुपीरियर मीडिया स्टेनम का है. और ये व्यू कौन सा है, दिस इज लेटरल व्यू. जैसे लेट्स इमेजिन के आप लोग मुझे लेटरल साइड से देख रहे हैं, तो ये जो व्यू नजर आएगा ये व्यू स्क्रीन पे इस तरह से बनेगा. तो सुपीरियर मीडिया स्टेनम पोस्टीरियरली एक्सटेंडिंग फ्रॉम T1 अप टू T5, मोर प्रिसाइजली इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ T4 एंड T5. ये पोस्टीरियरली. एंटीरियरली अप टू द एंगल ऑफ लुईस. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टर्नल एंगल, आई हैव टोल्ड यू दैट स्टर्नल एंगल इज एंगल जंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीडिया स्टेनम एंड इट्स अ जंक्शन ऑफ द बाइफर्केशन ट्रैकिया आल्सो. तो ये तो हो गया सुपीरियर मीडिया स्टेनम. अब नीचे ये क्या है, डायफ्राम मसल है. इन्फीरियरली मीडिया स्टेनम इज अटैच विद द डायफ्राम मसल एंड अप टू T12 लास्ट थोरैक्स वर्टिब्रा एंड देन Z5 प्रोसेस. तो ये सारा किसका पोर्शन है, इन्फीरियर मीडिया स्टेनम का. इन्फीरियर मीडिया स्टेनम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम. एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, दिस इज द सब डिवीजन ऑफ द इन्फीरियर मीडिया स्टेनम. अब इसके बाद आती है बात कंटेंट्स की, दैट व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इन दिस मीडिया स्टेनम. तो ये बहुत सिंपल है. देखें सुपीरियर मीडिया स्टेनम की अगर आपको बाउंड्रीज याद हुए, अब इस रीजन में क्या हो सकता है, डेफिनेटली इस रीजन में वेसल्स होंगी, आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, और क्या होगा, नर्व्स होंगी. तो कौन सी आर्टरीज होंगी, जो आर्टरीज लेके जा रही हैं ब्लड किधर, हेड एंड नेक की तरफ, जो आर्टरीज अपर लिम की तरफ ब्लड लेके जा रही हैं, जो वेन्स डीएक्शनेटेड ब्लड हेड एंड नेक की तरफ से और अपर लिम की तरफ से लेके वापस आ रही हैं, वो इसी रीजन में होंगी. और एक चीज और याद रखनी है कि मोस्ट एंटीरियर यहां पे क्या होगा, थाइमस होगा, जो कि आपका इम्यून ऑर्गन है. और मिडिल मीडिया स्टेनम से क्या ओरिजिनेट होता है, आयोल्टा, हार्ट में मिडिल मीडिया स्टेनम, लेकिन ये ऊपर जाएगा जो आर्च ऑफ एओर्टा है. आर्च ऑफ एओर्टा जाके बनती किस में है, आर्च ऑफ एओर्टा हेयर. आर्च ऑफ एओर्टा इज बेसिकली प्रेजेंट इन द सुपीरियर मीडिया स्टेनम. तो याद रखना है सुपीरियर मीडिया स्टेनम में मोस्टली वेसल्स हैं और इसके बाद नर्व्स भी हैं. कौन कौन से नर्व्स हैं, जिस तरह से वेगस नर्व है, फ्रेनिक नर्व विच सप्लाई टू द डायफ्राम मसल एंड वेगस विच इज द लार्जेस्ट पैरासिम्पैथिक नर्व. तो ये कंटेंट्स आप लोग इसको इजिली मेमोराइज कर सकते हो अगर आपको इस रीजन का आइडिया हो. फिर उसके बाद हम एंटीरियर मीडिया स्टेनम जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द इन्फीरियर मीडिया स्टेनम, इसमें क्या होगा, इसमें भी थाइमस होगा. तो थाइमस का कुछ पोर्शन सुपीरियर मीडिया स्टेनम में है और कुछ पोर्शन इन्फीरियर मीडिया स्टेनम में है. तो थाइमस इज प्रेजेंट मोर स्पेसिफिकली इन एंटीरियर मीडिया स्टेनम. एंटीरियर में भी है और सुपीरियर में. एग्जाम में अगर ऑप्शन में आ रहा है थाइमस इज प्रेजेंट इन सुपीरियर मीडिया स्टेनम, इन्फीरियर मीडिया स्टेनम, एंटीरियर मीडिया स्टेनम, तो आप एंटीरियर मीडिया स्टेनम को ही मार्क करेंगे. दिस इज मोस्ट स्पेसिफिक आंसर, याद रखना है. तो मिडिल मीडिया स्टेनम में क्या होगा, हार्ट. हार्ट इज बेसिकली प्रेजेंट इन मिडिल मीडिया स्टेनम. हार्ट किस में होता है, मिडिल मीडिया स्टेनम में. और क्या होगा, मिडिल मीडिया स्टेनम में ट्रैकिया की बाइफर्केशन होगी. याद रखना है दैट बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया अकर्स एट स्टर्नल एंगल जस्ट बिहाइंड दिस लैंडमार्क. तो ये रीजन आप किसका है, ये मिडिल मीडिया स्टेनम का है. तो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया भी मिडिल मीडिया स्टेनम में होगी, हार्ट भी मिडिल मीडिया स्टेनम में होगा, पेरिकार्डियम भी मिडिल मीडिया स्टेनम में होगी, रूट्स ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल मीडिया स्टेनम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है. अब पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम की अगर बात करें
तो यहाँ से जो एसोफेगस पास करेगी वो अल्टीमेटली किस में आएगी, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। एओर्टा आर्च के बाद क्या बनेगा, डिसेंडिंग एओर्टा बनेगा, तो वो भी किस में आएगा, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। तो ये बहुत ईजी है, नर्व्स भी होंगी, तो इसकी बाउंड्रीज याद करें, इसको ड्रा करें, और खासतौर पे जो मिडिल मीडियास्टिनम के कंटेंट्स हैं इनको मेमोराइज करें। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक एंड इट विल गिव यू एटलीस्ट 1 to 2 मार्क्स। और याद रखना है कि मीडियास्टिनम नॉर्मली हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर मोबाइल होती है, तो इन केस ऑफ द एनी इंजरी टू योर चेस्ट इफ देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर, अगर आउटसाइड से इंजरी है या फिर लंग्स रप्चर हो गए, तो अगर राइट साइड पे प्रॉब्लम है तो क्या होगा कि मीडियास्टिनम विल डेविएट टू द लेफ्ट साइड, तो ट्रैक है, इसलिए लेफ्ट साइड डेविएशन हो जाएगी, मीडियास्टिनम कंटेंट विल डेविएट टू द लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड पे इसकी डेविएशन होती है। थैंक यू वेरी मच।